प्रशांत और राजेश पार्टनर थे इन द रेशियो 3:2 और इनको अथॉरिटीज के द्वारा रिपीटेड रिमाइंडर्स देने के बावजूद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था और इनको ये रिमाइंडर्स इसलिए दिए गए थे क्योंकि ये लोग हैजार्डियस मटेरियल जो है नियर बाय रिवर में डंप करते थे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कोर्ट ने ऑर्डर देके इनकी फर्म को डिसॉल्व करा दिया ऑन 21 मार्च 2024। और उस दिन इनकी जो बैलेंस शीट थी वो कुछ इस तरह से थी। इनकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे थे ₹80,000। उसके अलावा मिसेस प्रशांत का लोन था ₹40,000। उसके अलावा राजेश का भी लोन था ₹24,000। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था ₹8,000 और इनकी कैपिटल थी प्रशांत और राजेश की ₹42,000। ठीक है बच्चों, एसेट साइड में बिल्डिंग दे रखी थी ₹1,20,000, इन्वेस्टमेंट दे रखी थी ₹30,600, डेटर्स गिवन थे 71,400 जिन पे प्रोविजन था 4,000 का और नेट अमाउंट था 67,400। उसके अलावा कैश गिवन था ₹6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था ₹8,000 और गुडविल गिवन थी ₹4,000। टोटल था दोनों साइड का ₹2,36,000। प्रशांत को डिप्यूट किया गया इस काम के लिए कि सारी एसेट्स उसे बिकवानी है, लायबिलिटीज का पेमेंट भी उसे करना है और इस काम के लिए उसे ₹1,000 एज कमीशन दिए गए। याद रखिएगा, उसको सिर्फ एसेट बिकवानी है, लायबिलिटी पे करनी है बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसको बेयर नहीं करने हैं ऐसा क्वेश्चन में, क्योंकि कहीं लिखा भी नहीं है कि उसे एक्सपेंसेस बेयर करने हैं। तो ऐसे में हम यही मानेंगे कि एक्सपेंसेस उसको बेयर नहीं करने हैं, एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी जो है वो फर्म की ही है। फिर बाद में आप कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से दे रखे हैं। जो प्रशांत है उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ का लोन मैं खुद पे कर दूंगा। ठीक है बच्चों, जो डेटर्स हैं उनसे हमें 60,000 अमाउंट रियलाइज हुआ है, इन्वेस्टमेंट को राजेश ने लिया है फॉर 27,000, बिल्डिंग से जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो है 1,20,000। ठीक है बच्चों, सॉरी नॉट 1,20,000, 1,20,000 तो था, उससे अमाउंट रियलाइज हुआ 1,52,000। सही है बच्चों, 1,20,000 तो उसकी बुक वैल्यू थी, अमाउंट रियलाइज हुआ 1,52,000। क्रेडिटर जो कि आज से 2 महीने बाद पे किए जाने थे उनको इमिडिएटली पे कर दिया गया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बच्चों डिस्काउंट के आगे 10% लिखा है लेकिन 10% पर एनम नहीं लिखा, तो आप सिंपली 10% निकाल लीजिएगा क्रेडिटर का जो कि आता है 8,000 और उनको बचा हुआ अमाउंट यानी 72,000 पे कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको बताया गया कि जो रियलाइजेशन से जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं वो है ₹2,500 जिसे फर्म को ही बेयर और फर्म को ही पे करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है इन द क्वेश्चन और आपसे मांगा गया है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये 3 अकाउंट आपको बनाने हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट की शुरुआत करिए सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस क्लोज करने से। तो डेबिट साइड में बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और गुडविल, इन 4 एसेट को डाल के क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर्स, मिसेस प्रशांत का लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनको डाल के क्लोज करेंगे। बिल्डिंग है 1,20,000, इन्वेस्टमेंट है 30,600, डेटर है 71,400, गुडविल है 4,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 4,000, क्रेडिटर्स है 80,000, मिसेज प्रशांत का लोन है 40,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 8,000। फिर बच्चों जो प्रशांत का कमीशन है वो लिख लीजिए यहाँ पर 1,000। प्रशांत ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया तो वो भी इधर ही आएगा 40,000। ठीक है बच्चों, डेटर से जो पैसे रिलाइज हुए वो बाय कैश अकाउंट, राजेश ने जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है तो वो बाय राजेश कैपिटल अकाउंट के नाम से आएगा, ध्यान रखिएगा क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग से जो अमाउंट रिलाइज हुआ वो भी यहीं आएगा, क्रेडिटर को जो पे किया वो इधर आ जाएगा 72,000,
और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं 2500 वो भी इधर ही आएंगे डेबिट साइड में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई इतनी बात। अब जो है बच्चों आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स का वो क्लियर हो गया, कोई एसेट पे कर जो रिलाइज होने के लिए रह तो नहीं गई, कोई लाइबिलिटी पे करने के लिए रह तो नहीं गई। तो आइए देखते हैं, लाइबिलिटीज में इसे पे करना नहीं था, इसे पे करना नहीं था, इसे हस्बैंड ने टेक ओवर कर लिया, इसे हमने पे कर दिया, इसके अमाउंट कितना रिलाइज हुआ बता रखा है, इसे राजेश ने टेक ओवर किया, इससे कितना पैसा मिला बता रखा है, इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा बच्चों गुडविल के बारे में। तो हम ये मानेंगे कि गुडविल से फर्म को कुछ भी पैसा रिलाइज नहीं हुआ, ठीक है बच्चों, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उसके बारे में यही माना जाता है कि अगर उसके बारे में कुछ नहीं बता रखा तो उससे कोई पैसा रिलाइज नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका भी आप मानिए कि क्लियर हो गया। तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज का हमने सेटलमेंट कर लिया बच्चों, अब देखते हैं कि फर्म को फायदा हुआ या नुकसान इस रियलाइजेशन प्रोसेस में। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट साइड आ रही है इसका टोटल आएगा 484, 124, 132, 192, 199, 219, 319, 321 और 50 होता है 371। तो क्रेडिट साइड का टोटल तो आ रहा है 371,000। डेबिट का देखते हैं 101, 102, 222, 226, 227, 267, 269, 339, 341, 500। तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से बड़ा आ रहा है बच्चों, तो जो डिफरेंस है वो 29,500 का गेन आ जाएगा। उस गेन को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो जो कि 3:2 है। जो टोटल है 371,000 उसको दोनों तरफ लिख देंगे और गेन को 29,500 को 3:2 के रेशियो में बांट देंगे प्रशांत में और राजेश में। तो 30,000 को बांटेंगे तो 18,012 आता है, 500 को बांटेंगे तो 300 और 200 आता है, 18 में 300 कम करेंगे तो 17,700 आ जाएगा और 12 में से 200 कम करेंगे तो 11,800 आ जाएगा। तो 17,700 और 11,800 आ गया इनका प्रॉफिट। इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो बन गया बच्चों। आइए बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बच्चों सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनके बैलेंसेज लिख लीजिएगा 42,000 दोनों के। फिर जो अंदर आपको जनरल रिजर्व दे रखा था शायद बच्चों देखते हैं, नहीं इन्वेस्ट इसमें जनरल रिजर्व नहीं है इस क्वेश्चन में, वो मत बांटिएगा, लेकिन एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है उसको यहाँ बांट दीजिएगा। 4800 और 3200 आएगा। उसके अलावा रिलेशन का गेन लिख दीजिए पहले 17,700 और 11,800। उसके अलावा जो प्रशांत ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया और जो उसके कमीशन का अमाउंट है वो मिला के लिख दीजिए यहाँ पर। राजेश ने जो वो टेक ओवर किया है इन्वेस्टमेंट उसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, उसके अलावा यहाँ पर आपका जो वो है और तो कुछ है नहीं बटने लाइक बच्चों पार्टनर्स के यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में। तो आप जो है इनका वो जो है फाइनल बैलेंस निकाल लीजिए, कैपिटल का कितना आता है उसे आप फाइनली पे कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो प्रशांत का 42,41 होता है बच्चों 83 और 17 1 लाख 1,07,000 में से 4,800 माइनस करना है। 1,07,000 माइनस 4,800 तो ये आएगा 9,95,900 आ जाएगा बच्चों। ये आ गया इसका फाइनल बैलेंस, ऐसे ही उसका निकाल लीजिए राजेश का। तो 42 और 11 होता है बच्चों 53,800। 53,800 में से 30,200 माइनस करना है, तो 53,800 माइनस 30,200 तो ये आ जाएगा 23,600। इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। नाउ कम टू बैंक अकाउंट। बच्चों बैंक नहीं बल्कि आप कैश अकाउंट बनाएंगे और उसका ओपनिंग बैलेंस है ₹6,000 था इसका बैलेंस, यस 6,000। रिलेशन से जो पैसा आया था बिल्डिंग का 152 और डेटर से 60 तो यानी 212। रिलेशन में जो पैसा गया था 72,000 क्रेडिटर्स का और 2500 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो 74,500 यहाँ लिख दीजिए।
प्रशांत का जो फाइनल बैलेंस था वो, राजेश की कैपिटल का फाइनल बैलेंस था वो, और जो राजेश का लोन था वो, ये तीनों यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आपका बैंक अकाउंट मैच हो जाना चाहिए बच्चों। प्रशांत का फाइनल बैलेंस था 95,900, जो हमने भी कैपिटल अकाउंट में निकाला था। इसका आया था 23,600 और इसका लोन था 24,000। दोनों साइड बच्चों मैच होनी चाहिए। 2,18,000 ये आ रहा है, तो 95 और 23 होता है बच्चों 118, 118 और 24 होता है 142। ठीक है बच्चों, 142। कुछ और भी छूट रहेगा बच्चों, देखते हैं। नहीं बच्चों, छूट तो कुछ नहीं रहा है। टोटलिंग अगर और करते हैं 74 और 95 होता है बच्चों 169, 17400, 171, 174, 194 और 24 होता है 218। सही है बच्चों, 2,18,000 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे सुन में।